बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में आपको मौसमी मकई से 80-90 मन फी एकड़ पैदावार लेने के हवाले से तजावीज़ दी जाएंगी। ये तजावीज़ जो है ना, ये मकई के मरकज़ी इलाके ना, ओकाड़ा साहिवाल, दीपालपुर, फैसलाबाद, जंग एरिया, इस इलाके के लिए हैं। जनूबी पंजाब में तो 80-90 मन नहीं आ सकती, गर्मी ज़्यादा होती है। देखें, भारिया मकई में तो 100 मन से भी ऊपर आ जाती है, लेकिन मौसमी जो है ना, अक्सर 60-70 मन, 80 मन भी आ जाती है। अब 80-90 मन पैदावार लेना जो है ना, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है। देखें, किस्म और वक्त काश्त का इसमें बड़ा रोल होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा रोल जो है वो खादों का ही है। तो खादें जो है वो महंगी बहुत हैं। देखें, ये वीडियो जो है उन सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके लिए मनी है, नो प्रॉब्लम। मकई काश्त करते हैं, वो उनको पता है कि 60-70 मन आ जाती है, लेकिन हमने 80 मन लेनी है, 90 मन पैदावार। मैं बताता हूँ, इक्का दुक्का काश्तकार मौसमी मकई भी 100 मन भी ले जाते हैं, वो जब मौसम साजगार है ना, तो ये भी आ जाती है। बरकैफ, मकई जाके रेट आपको पता है कि इस वक्त 2000 से ऊपर 2200-2300 के करीब है, और अगर ये 80-90 मन आ जाती है, ये 2 लाख से ज़्यादा आमदन हो सकती है। 1 लाख खर्च करके 2 लाख कमा लेना। ये पहला काम तो इस सिलसिले में ये है कि अल्लाह की तरफ रुजू करके इस काम को शुरू करें, और ये नया काम, नया एक लिहाज इस वाले से कि भाई भरपूर पैदावार लेनी है। जब दुआ से काम शुरू करेंगे, अल्लाह ताला मौसमों को भी हमारे वाले से हमारे लिए साजगार कर देगा। दूसरी बात यह है कि सही वैरायटी मुंतखब करें। आप डी के स्टार्ट 99 रख लें, डी के 6, 7, 8, 9, ये वैरायटी मैं समझता हूँ बेस्ट वन है। तो अगर बी ज़्यादा महंगी भी हो तो कोई मसला नहीं है, अगर बी ना मिले तो पी 40-40 रख लें। तो ज़्यादा और वैरायटीज़ के उलझाव में डालने की बजाय, मैंने आपको 2 टोक बता दिया ना कि डी के स्टार्ट 99। तो बाकी तीसरी बात यह है कि जुलाई के पहले हफ्ते के अंदर अंदर काश्त, बार वक्त काश्ता जो है ना, क्योंकि इसके बाद गंदम भी काश्त कर सकते हैं, या इसके बाद दोबारा हमने मकई काश्त करनी है तो भी कोई मसला नहीं, कि जुलाई के पहले हफ्ते के अंदर अंदर काश्त है। वैसे तो 25 जून के बाद ये शुरू हो जाती तो और ज़्यादा बेहतर था, लेकिन उसमें रिस्क ज़्यादा मौजूद था। इस साल जो है ना, ये हफ्ता भर के लिए चूँकि बादल मौजूद हैं, थोड़ी सी डिले भी हो सकती है। बार क्या बार वक्त लगानी जो है ना, वो ज़्यादा ज़रूरी। मानसून शुरू होने तक जो है ना, अगर मकई संभल चुकी हो ना, तो ये फिर गोल हासिल करना कोई मुश्किल नहीं होता। होता ये है कि हम काश्त कर रहे होते हैं, ऊपर से मानसून जो है वो डिस्टर्ब कर देना, आगे वगैरह पैदा हो जाते हैं। तो इस तरह है कि इस मौसमी मकई को मौसम ही ख़राब करता है, अदरवाइज ये भी अच्छी पैदावार देती है। चौथी बात, ज़रूरी बात यह है कि बिजाई के वक्त 2 बोरी DAP, 12 से 15 दिन बाद आधी बोरी यूरिया, 10 किलो जिंक और 3 किलो बोरान जो है ना, ये भी डाल देनी है। 30 दिन पे जाके 1 बोरी ज़बरदस्त यूरिया डालें, जिसके अंदर चलो जिंक पहले ना भी डाले जाए तो ज़बरदस्त यूरिया जो है ना, ये कमी पूरी कर देगा। 45 दिन पे जाके फिर 1 यूरिया डालनी है। तो 55 दिन में जो है ना, 1 यूरिया और 1 SOP। अब देखें भी, इतनी ज़्यादा 3 बोरी यूरिया, 3.5 बोरी यूरिया आप डालेंगे तो ये साफ ज़ाहिर है ये गिर सकती है, लेकिन ये दुआ जो की है वो इसी मकसद के लिए की है, इसकी ज़रूरत है। इसकी 3-4 बोरी खाती है, फिर इसने 80-90 मन पैदावार देनी है। तो ये है कि वो मौसम के मुताबिक से, बारिशों के मुताबिक से हमने यूरिया की मकदार जो है इसको थोड़ा बहुत तब्दील करते रहना है। पांचवी ज़रूरी बात ये है कि फॉल आर्मी वर्म जो है ना, इसको ये आसानी से कंट्रोल नहीं होता, इसके लिए बिल्कुल 10, 20 और 35 दिन के बाद तीन स्प्रे का इंतज़ाम करें। वो स्प्रे है 500 मिलीलीटर, आप फिप्रोनिल ले लें, रेफरी लिक्विड रेफरी ले लें या फिप्रोनिल, और इसके साथ 300 मिलीलीटर एमामेक्टिन, ये मिला के हमने स्प्रे करनी। हर स्प्रे जो है ना, इस तरह 10-15 दिन के वक्त से 3 मरतबा स्प्रे करते हैं, फॉल आर्मी वर्म जो है ना वो नहीं नुकसान पहुंचा सके। तो एक अहम बात ये है कि खेलियाँ जो है ना, शुमालन जनूबन बनाई जाएँ, और इनके शर्क मशरक मगरब में जो है ना वो चौके से काश्त करना है। 24 इंच चौड़ी पटड़ी होनी चाहिए खेलियों की, और एक एकड़ में 49 के करीब खेलियाँ, 50 बन सकती हैं, 49 इतनी खेलियाँ बनाए, दोनों तरफ 8 इंच के फासले पर लगाएं, और 26 से 30 हज़ार पौधे लगाएं। ज़्यादा पौधे नहीं लगाने, देखें ये काफ़ी कद कर जाती है इस मौसम में, तो इसके 26 से 28 हज़ार पौधे होना एक एकड़ में, तो काफ़ी जो है ना जो कि बेहतर रह जाता है। सातवीं और अहम तरीन बात यह है कि मौसम की साजगारी के लिए दुआ करना। शदीद बारिशें जो है ना, ये नागे वगैरह पैदा कर दें, हीट वेव भी आ सकती है, उन सब से बचना है ना, तो दुआ सबसे अहम है। कीड़े और बीमारी का भी ख्याल रखना, उस हवाले से भी हम बीज को भी सीड ट्रीटमेंट करनी है, और कीड़े के खिलाफ भी इसके सावधान रख, रीजेंट की 1-2 मरतबा स्प्रे भी करनी। मतलब इस तरह के 80-90 हज़ार रुपया खर्च करके हम तकरीबन 2 लाख रुपये जो है ना फी एकड़ कमा सकते हैं।